हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब अच्छे होंगे? मैम आपको बहुत मिस कर रही हैं। आप सब लोगों ने फोनिक साउंड पढ़े होंगे। फोनिक साउंड ए सेज एप्पल, बी सेज बॉय, सी सेज कैट, डी सेज डॉग, ये सब फोनिक साउंड्स हैं। ये हम इतने लोगों ने यूकेजी में अच्छे से पढ़े हुए हैं। जो हमने पढ़े हैं अभी तक क्लास में वो है हार्ड साउंड। साउंड टू टाइप्स के होते हैं, हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड। जो अब तक हमने क्लास में पढ़े हैं वो सारे हार्ड साउंड्स होते हैं। साउंड्स टू टाइप्स के होते हैं, हार्ड साउंड्स एंड सॉफ्ट साउंड्स। अब देखिए हार्ड साउंड्स और सॉफ्ट साउंड्स क्या होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं लेटर सी। सबसे पहले सी से देखते हैं, सी फॉर क्या होता है? सी सेज हमने पढ़ा है कैट, सी सेज कैमल, सी फोर कैग केक, CITY सिटी, CENTRE सेंटर, CY CLE साइकिल। बट ये क्या, अभी तो हमने पढ़ा CAT कैट, और अभी हमने यहाँ पढ़ा CITY सिटी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, जो भी हमारे साउंड्स होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड। तो हार्ड साउंड जो अभी तक हमने पढ़े हैं क्लास में, वो सारे हार्ड साउंड होते हैं। क्लास में जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वो हार्ड साउंड होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इसमें क्या होता है कि एक्सेप्शन, मतलब कहीं कोई रूल नहीं है किसी चीज़ का कि ये इस तरह ही होगी। ये सिर्फ हम प्रैक्टिस से देख सकते हैं कि हम इसमें कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी खुद का इंग्लिश का कोई रूल नहीं है, इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं। हम यहाँ एक रूल पढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर हम कोई लाइन पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत जल्दी एक्सेप्शन केस भी मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिस के थ्रू हम देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे सी को हम कब सा प्रोनाउंस करते हैं और कब क प्रोनाउंस करेंगे। देखिए, मैं आपको बताया सी के साउंड दो टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड। हमने क्लास में जो पढ़े हैं वो जितने भी हमने साउंड्स पढ़े हैं वो सारे हार्ड साउंड पढ़े हैं। तो सी का हमने जो साउंड पढ़ा है वो क साउंड पढ़ा है, सी फॉर कैट, सी फॉर कैमल, सी फॉर केक। तो कब सी को क पढ़ना है और सब सी को स पढ़ना है। तो देखिए, सिटी सेंटर साइकिल, इन सब में क्या कॉमन है, सी के बाद EIY आया है। जब भी सी के बाद IIEY, अगर इनसे ये कोई लेटर आते हैं तब हम सी को प्रोनाउंस करते हैं स, तब हम सी को स प्रोनाउंस करेंगे। और इनके अलावा कोई भी अदर कॉन्सोनेंट आता है, अदर लेटर आता है तो हम इसको प्रोनाउंस कर, अल्फाबेट आता है तो हम इसे स्का प्रोनाउंस करेंगे। देखिए, CALL कॉल, कम, कट, CLAP क्लैप, कैट, COW काउ, CUP कप, CAKE केक। सी के बाद EIY नहीं है, EIY नहीं है, इसलिए हमने सी को क प्रोनाउंस किया है। सेकेंड हम देखेंगे सी का स साउंड, सी का जो सॉफ्ट साउंड है वो स है। जब सी के बाद IIIY होगा तब हम सी को स प्रोनाउंस करेंगे। ICE आइस, PENCIL, सी के बाद आई है स, पेंसिल, सिटीजन, सिविल, सी के बाद ई है डाइस, स डिसेंट। अब देखिए ये जो वर्ड है CIRCLE सर्कल, यहाँ हम देखेंगे सी के बाद आई है इसलिए हमने इसको स प्रोनाउंस किया है, और यहाँ पे सी के बाद IYIEY नहीं है इसलिए हमने इसको क प्रोनाउंस किया है, सर्कल। सी के बाद वाई है इसलिए CYCLE साइकिल, इसलिए हमने इसे स प्रोनाउंस किया। आई होप स आपको समझ, सी आपको समझ में आया होगा कि कब से सी को स प्रोनाउंस करना है, कब सी को क प्रोनाउंस करना है। अब हम बात करते हैं जी की। जी के जो हार्ड साउंड है वो ग है और जी का जो सॉफ्ट साउंड है वो ज है। इसमें भी सेम है, जी के बाद EIY अगर है तो हम इसको जय प्रोनाउंस करेंगे। अगर इसके अलावा कोई भी अदर कॉन्सोनेंट और लेटर है, वॉवल है, तो हम इसको गस प्रोनाउंस करेंगे। जैसे लेट्स सी सम एग्जांपल, GOLD गोल्ड, ग, GAP गैप, GRASS ग्रास, GUN गन, GOAT गॉट, क्योंकि इसी में EIY नहीं है। सेकेंड हम देखेंगे जी का सॉफ्ट साउंड ज, AGE एज, GY
MNAST जिमनास्टिक। जय का जो साउंड है वो ग नहीं है, यहाँ पे ज है। GERM जर्म। GINGER जिंजर। यहाँ जी के बाद आई है, यहाँ जी के बाद ई है, इसलिए जिन जर, दोनों जगह ज साउंड क्या है। GEL जेल। इक्वल है MAGI, जी के बाद आई है, इसलिए हमने यहाँ ग नहीं प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ज प्रोनाउंस करेंगे। मैजिशियन। अब यहाँ सी के बाद भी आई है इसलिए हम इसे स प्रोनाउंस कर रहे हैं, मैजिशियन। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं, यहाँ भी बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। जैसे यहाँ बी जी के बाद आई ई वाई होगा, कहीं आपको मिलेगा, पर फिर भी हम उसे ज प्रोनाउंस नहीं करके ग ही प्रोनाउंस करेंगे। ये सब हमें प्रैक्टिस से देखना होगा। तो ये कुछ एक्सेप्शन केस हैं, बिगिन, हंगर, फिंगर, गिफ्ट, गिव, गर्ल, लॉन्गर, एक वर्ड गेट, GET, ये भी बहुत आता है। तो ये सब हमारे क्या हैं, एक्सेप्शन केस हैं। इनके जी के बाद आई ई वाई वर्ड्स, वाई लेटर हो सकते हैं इसमें, लेकिन फिर भी हम इसे ग ही प्रोनाउंस करेंगे। तो ये हम प्रैक्टिस से ही देख सकते हैं, ताकि इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आप